Hey all Cookholics, we are back with another amazing video और इस बार हम बना रहे हैं brown rice की बिरयानी. So, this is a bonus उन लोगों के लिए जो लोग white rice खाना avoid करते हैं. So, you people have a healthier choice to enjoy your biryani. आइए देखते हैं इसकी रेसिपी. एक पैन में हम लेंगे पानी, उसमें डालेंगे 1 inch दालचीनी का टुकड़ा, 2 जावित्री, 2 बड़ी इलायची, 1 फूल चक्री और इसे बॉईल होने के लिए हम रख देंगे. जैसे ही हमारा पानी बॉईल हो जाएगा, हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप भिगोया हुआ ब्राउन राइस. ब्राउन राइस व्हाइट राइस के कंपैरिजन में फाइबरस होता है नेचर में. अभी हम इस ब्राउन राइस को पकाएंगे. हमें इसे ज्यादा नहीं पकाना है, आधा कच्चा पक्का जितना हम इसे पका लेंगे. अभी एक मिक्सर जार में हम लेंगे 3 प्याज और 4 टमाटर, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 10 से 12 कलियां लहसुन की और इन सबको ग्राइंड करके एक पेस्ट बना लेंगे. मीनवाइल हम अपना राइस चेक कर लेते हैं. हमारा राइस पक चुका है, इसे हम स्ट्रेन कर लेंगे. और जो भी खड़े मसाले हमने इसमें डाले हैं, अगर आपको नहीं पसंद है, आप चाहें तो उसे अलग भी निकाल सकते हैं. यहाँ चावल हमने छान लिया है और इसे अलग रखेंगे. अब एक दूसरे पैन में हम लेंगे 2 बड़े चम्मच घी, 1 कप प्याज, 1 कप गोभी, 1/2 कप गाजर, 1 कप शिमला मिर्च, 1/2 कप मटर और इन सब चीजों को थोड़ा सा हम पका लेंगे. इसमें जाएगा नमक स्वाद अनुसार, 1/2 चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर और इन सभी चीजों को मिक्स करके वापस से 2 मिनट तक हम पकाएंगे. आप चाहें तो इसमें अपने मनपसंद की कोई भी सब्जी डाल सकते हैं. अभी हम इसमें डालेंगे जो हमने पहले प्याज और टमाटर का पेस्ट बना लिया था. मिक्स करेंगे और इसे कुक होने देंगे जब तक हमारे प्याज का कच्चापन नहीं चला जाता है, ग्रेवी कुक नहीं हो जाती है. पांच मिनट के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा. अब हम इसमें डाल रहे हैं 1/2 कप दही. ध्यान रहे जब दही आप ऐड कर रहे हैं तो आपके मिक्सचर को आप कंटिन्यूअसली चलाते रहेंगे. इसका सारा पानी सूख गया है. अब हम इसे लेयर करेंगे हमारे आधे कच्चे पके ब्राउन राइस से. सारा राइस हम इसके ऊपर लेयर कर देंगे. अच्छे से इसे इक्वली फैला देंगे. यहाँ हमने लिया है 2 चुटकी केसर. आप चाहे तो इसे दूध में घोल के भी डाल सकते हैं, हम यहाँ ऐसे ही यूज कर रहे हैं. उसके बाद 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, ये है हमारे पास तला हुआ प्याज फ्राइड अनियन, इसे भी हम ऐसे ही ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे. एक चम्मच गुलाब जल, थोड़ी पुदीना के पत्ते, दो से तीन बड़े चम्मच दही का भी इसके ऊपर हम ड्रिजल कर देंगे. और 2 बड़े चम्मच देसी घी के हम इसके ऊपर ड्रिजल करेंगे. इन सभी चीजों को हम अच्छे से ऊपर स्प्रिंकल करेंगे या फैला देंगे ताकि इनका जो भी फ्लेवर है वो हमारी बिरयानी में अच्छे से चला जाए. अब हम क्या करेंगे, हमने लिया है थोड़ा सा गूंदा हुआ आटा
और इसे हम हमारे पैन के किनारों पे लगा रहे हैं और ढक्कन लगा के हम इसे मंदी आंच पे 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे। अब आटा हमने क्यों लगाया? आटा लगाने से ये होता है कि हमने जो भी फ्लेवर्स हैं उनको सील कर दिया है और हमारी बिरयानी और भी ज़्यादा फ्लेवरफुल बनेगी, जो भी फ्लेवर्स हैं वो बाहर नहीं जाएंगे। पंद्रह मिनट के बाद ये देखिए हमारी बिरयानी। इसे गर्मा गर्म सर्व करें हमारे द मोस्ट फेमस लहसुन के रायते के साथ। उसकी रेसिपी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको ये या हमारी कोई और भी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना नहीं भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, हम हर संडे एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी कुकिंग।